रणवीर शो क्लिप्स में आपका स्वागत है YouTube का एक एक चैनल जहां तो आपको हर चीज के बारे में नॉलेज मिलेगी आपको सबसे बड़ा सॉफ्ट स्किल बूस्ट मिला वॉटन में जी फेयर टू से बिल्कुल इवन बिगर देन आईआईटी। सॉफ्ट स्किल्स यस ओके वॉटन के बारे में मैं जानना चाहूंगा क्योंकि ये हमारे टाइम में एक ड्रीम एजुकेशन डेस्टिनेशन होती थी मतलब हुँ. अगर आप एक वॉटन ग्रेजुएट हो तो इट्स कंसिडर्ड कि यू हैव रीच द पिनिकल ऑफ एजुकेशन आपका करियर पूरे तरह से सेट है एंड इट इज ट्रू फ्रॉम अ फाइनेंशियल परस्पेक्टिव पर ये क्यों होता है ये जानने की ज़रूरत है तो बताइए स्टार्ट टू फिनिश एडमिशन कैसे मिली वॉटन में सीखा क्या आउटकम क्या थी uh, और लाइफ आउटकम यानी कि अब इन योर थर्टीज आप किस नजरिए से देखते हो वॉटन को और क्या वॉटन जैसी एजुकेशन अब भारत में मिल सकती है या नहीं तो पहले वॉटन से पहले एक बार समझ लेते हैं कि वॉटन क्या है और आई वी लीग स्कूल्स क्या चीज़ हैं राइट right? तो अगर आप वर्ल्ड रैंकिंग्स देखेंगे एम बी ए कॉलेज की तो आप हार्वर्ड वॉटन स्टैनफर्ड कोलम्बिया काफ़ी ऐसे स्कूल्स हैं जिनके बारे में आप सुनेंगे तो इनको आई वी लीग स्कूल्स भी कहा जाता है ये दुनिया के बेस्ट बिजनेस स्कूल्स में आते हैं स्पेसिफ़िकली मैं वॉटन की अगर बात करूँ तो एलॉन मस्क डोनल्ड ट्रंप सुंदर पिचाई ये सब वॉटन के ग्रेजुएट्स हैं तो इसीलिए आप सुनेंगे वॉटन के बारे में भी और जब कोई एम करना चाहता है तो हार्वर्ड वॉटन, स्टैंडफर्ड एक ड्रीम कॉलेज बन जाते हैं तो मेरा भी ड्रीम था और इसीलिए मैं वॉटन जाना चाहती थी लेकिन वॉटन से पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि हर एक को क्लियर होना चाहिए कि वो एम क्यों करना चाहते हैं और फिर डिसाइड करें कि कहाँ से करना चाहते हैं ये कोई एक टिक बॉक्स नहीं है क्योंकि ये एक दो करोड़ का इन्वेस्टमेंट है अ वॉट इन फीट डे इज़ टू करोड़ रुपीज़ तो ये एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है जिसको हम सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि बेस्ट कॉलेज है तो चले जाइए और फिर देखेंगे राइट right? तो मुझे क्यों करना था मैं पहले वो बता देती हूँ तो आई के बाद काफ़ी बच्चे कैट का एग्ज़ाम देते हैं मैंने भी दिया था मेरा आई एम बैंगलोर हो गया था आई एम कैलकाटा भी हो गया इंटरव्यूज भी क्लियर किए एवरी थिंग आई हैड द एडमिशन ऑफर फ्रॉम दीज टू कॉलेज अब आप किसी भी मिडिल क्लास इंडियन फैमिली की अगर बात करें जो कि मैं भी थी तो मेरे पेरेंट्स ने बोला नो ब्रेनर है स्वाति आई एम बैंगलोर हो गया है आप जाओ एंड uh, अगेन मामा मामी चाचा चाची सब ने मिल बोला कि अरे मतलब कितनी एरोगेंट लड़की है आपकी कि आई एम बैंगलोर का ऑफ़र रिजेक्ट कर रही है उस टाइम मुझे ये बहुत क्लियर था कि मेरे पास बेन का भी ऑफर था और आई एम से भी बेस्ट जॉब मैं कंसल्टिंग ही करती मुझे पता था तो वो भी यही लगती राइट वन ऑफ द थ्री टॉप कंसल्टिंग फर्म्स तो मैंने कहा जो मुझे आई के बाद चाहिए वो मुझे आज की डेट में अगर मिल रहा है तो मैं एम बी करूँगी ज़रूर करूँगी लेकिन मैं इंडिया के बेस्ट बिजनेस स्कूल से क्यों करूँ मेरे पास अगर शॉर्ट है कि मुझे दुनिया के बेस्ट बिज़नेस स्कूल से एम करना है तो मैं वो क्यों ना करूँ अब आप बोल सकते हो कि थोड़ी प्रिवलेज थिंकिंग है क्योंकि मेरे पास वो ऑप्शन था बट मेरा डिसीजन मेट्रिक हमेशा रहता है नो रिग्रेट डिसीजन मेकिंग विच मीन्स जब भी मेरे पास ऑप्शंस होते हैं तो मैं ये नहीं देखती कि दुनिया क्या बोल रही है मैं ये देखती हूँ कि किस डिसीजन से मुझे आगे जाके रिग्रेट नहीं होगा तो उस टाइम अगर मुझे आई एम बेंगलोर का ऑफ़र मैं एक्सेप्ट कर लेती तो कहीं ना कहीं दिल में रहता कि यार शायद हार्वर्ड या वॉटन हो गया होता वेट कर लिया होता क्योंकि वहाँ जाने के लिए आपको तीन चार साल का वर्क एक्स चाहिए राइट और मुझे ये भी क्लियर था कि अगर चार साल के बाद मैंने ट्राई किया और मान लीजिए नहीं हुआ जो कि बहुत लोगों का नहीं भी होता तो मैं ओके okay थी कि मैंने ये डिसीजन लिया और फिर मैं एमबीए नहीं करूँगी तो वो क्लैरिटी होना और वो एक एक्सेप्टेंस होना वो बहुत ज़रूरी है कैसे मिलती है एडमिशन एडमिशन मिलती है आपको तीन चार साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए डिफरेंट प्रोफाइल्स होती हैं ये सच है कि आई आई टी वाले ज़्यादा जाते हैं इन कॉलेज में क्योंकि उन कॉलेज को भी पता है कि अच्छे बच्चे काफ़ी आई आई टी से आते हैं बट सिर्फ आई आई टी एन से नहीं जाते आई वुड से काफ़ी टॉप बिजनेस स्कूल बिजनेस कॉलेजेस अंडरग्रैंड एस आर सी सी एल एस आर सीफिन यहाँ से भी बच्चे आते हैं काफ़ी आउट लायर प्रोफाइल्स भी होती हैं सम स्पोर्ट्स प्लेयर सम एक्टर सम सी ए सम ऑनटरप्रनोर तो उनका आई वुड से कुछ वेटेज होगा या जो भी है बट वो हमेशा एक डाइवर्स क्लास बनाते हैं आपको सारे सेम नहीं मिलेंगे जो कि इंडियन कॉलेज में होता है कि सब इंजीनियरिंग कॉलेजेस से भर भर के आ रहे हैं वो नहीं होता एक डाइवर्स हो डाइवर्स uh, को होता है तो आप किसी अच्छी एम से आ सकते हो तीन चार साल का वर्क एक्स लेके आप एक ऑन्टरप्रिन हो सकते हो आप uh, अच्छा कॉलेज प्लस मिडियोकर कंपनी बट कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं प्रोसेस बहुत सिंपल है तीन या चार साल की वर्क एक्सपीरियंस के बाद आप अप्लाई करते हो यूएस कॉलेजेस का फोकस बहुत रहता है कि हम आपको क्यों लें तो वो आपसे एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मांगते हैं कि आपको लाइफ में क्या करना है और हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं ऐसे होता है ये ऐसे होता है कितना लम्बा uh, कभी थाउजेंड वर्ड्स कभी फाइव हंड्रेड वर्ड्स और इंडियन स्टूडेंट्स को बहुत लगता है कि यार ये क्या पूछ रहे हो तुम ये कहानी मैं कहाँ से बनाऊँ बट हम मास्टर्स यूनियन में भी पूछते हैं ये कहानी रीज़न ये है कि आप कितने भी स्मार्ट हों अगर आपको क्लैरिटी नहीं है कि आप यहाँ आके इस प्लेटफॉर्म को कैसे यूज़ करोगे तो आप उस डिग्री को वेस्ट कर रहे हो और वहाँ पे लिमिटेड सीट्स हैं तो वो चाहते हैं कि हर इंसान जो यहाँ आए वो आगे जाके कुछ तो उसका फ़ायदा उठा के कुछ बड़ा करे तो वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता है प्लस आपका जी मैट का स्कोर होता है वो इंडियंस का काफ़ी हाई होता है मैथ्स क्योंकि उसमें होता है इंडियंस आर गुड एट मैथ

तो इंडियन स्टूडेंट्स मैथ्स बहुत इजीली क्रैक कर लेते हैं uh, तो वो क्लियर करना होता है आपको उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं इंटरव्यू इंडिया में ही होता है और उसके बाद आपको एडमिशन लेटर मिलता है कॉलेज okay. uh, क्या ढूंढ रहा है पोटेंशियल स्टूडेंट्स में मतलब, क्या देखते हैं वो एक कोहरेंट स्टोरी देखते हैं मतलब? मतलब कि आप आपको लाइफ में चाहिए क्या आपको करना क्या है आपका वो ये जानना चाहते हैं कि आपको ये दो साल का एम बी क्यों चाहिए और हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं अगर उन्हें आप क्लूलेस लगे कि मैं तो एम बी ए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एम बी ए करनी है तो वो सही आंसर नहीं है तो आपने क्या लिखा था मैं उस टाइम पे मैंने मुझे कंसल्टिंग में वापस आना था राइट तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक्सपोजर और लर्निंग के लिए कर रही थी और मैं अपनी एम बी ए के बाद बेन में ही वापस आई थी तो मैंने ये लिखा था कि मुझे अभी फील होता है कि मैं थोड़ी इमेच्योर हूँ क्लाइंट्स को हैंडल करते हुए यू you नो know, वो एक इंजीनियरिंग माइंडसेट आ जाता है मेरा और मुझे उतना ग्रेज नहीं पता मेरे लिए वर्ल्ड अभी भी ब्लैक एंड वाइट है जो कि फेयर आई थिंक मेरी क्लैरिटी थी और मैं वापस आ गई थी तो ये आप कह सकते हैं कि बहुत ही छोटा सा रीजन है एम करने का बट ये क्लियर आंसर है सच्चा आंसर सच्चा आंसर है कि देखिए मेरी लाइफ अच्छी चल रही है और मुझे में वापस आना है गुण। गुण। मुझे खुद में कुछ कमियां लगती हैं मतलब ये झूठों को फिल्टर आउट कर रहे हैं बेसिकली हाँ, झूठों को फिल्टर आउट कर रहे हैं अब ये भी हो सकता है कि बहुत लोग देखिए झूठ लिखते हूँ मैं मना नहीं कर रही हूँ इंडिया में काफी बिजनेस खड़े हो गए हैं टू हेल्प यू गेट इन टू एन आई वी लीग स्कूल और वहाँ कहानियां लिखी भी जाती हैं वहाँ से बच्चे जाते भी हैं अब झूठ फिल्टर होता है या नहीं वो मुझे नहीं पता बट वो ये जरूर देख रहे हैं कि क्या आपके पास एक क्लियर आंसर है कि आप यहाँ आकर क्या करना चाहते हैं और क्यों आना चाहते हैं प्रोसेस okay. uh, फिर इन का uh, मैं क्योंकि ये क्लैरिटी के साथ गई थी कि मैं वापस आ रही हूँ देखिए हर एक का ऑब्जेक्टिव अलग होता है कुछ मेजॉरिटी बच्चे आए थे यूएस माइग्रेट होने वो बहुत बड़ा रीज़न है तो मैं ऑडियंस को कहना चाहूँगी कि इतनी एक्सपेंसिव इन्वेस्टमेंट है और मुझे स्कॉलरशिप मिली थी और मुझे अपनी कंपनी से स्पॉन्सरशिप भी मिली थी क्योंकि मैं वापस आ रही थी तो मेरे लिए वो बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं था बट काफ़ी लोगों के लिए वो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है तो अगर आप वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो काफ़ी लोग तो इसीलिए आए थे क्योंकि उन्हें यू में सेटल होना है वो भी एक एस्पिरेशन होता है तो वो नंबर वन रीज़न होता है सेकेंड होता है कि मुझे करियर में स्टेप अप चाहिए मेरा अंडरग्राइड कॉलेज इतना अच्छा नहीं था तो मेरे लिए काफ़ी डोर्स ओपन नहीं हो रहे ऐसा लोग सोचते हैं नॉट माइंड बट अगर ये किसी का रीज़न है कि मेरा अंडरग्राइड कॉलेज अच्छा नहीं है तो मुझे एक एम करना है बहुत अच्छे कॉलेज से सो so दैट मेरे लिए रास्ते खुल जाएँ वो भी सही रीज़न है तीसरा रीज़न मेरे जैसों के लिए हो सकता है कि देखो मुझे लर्न करना है एक्सपीरियंस करना है मैंने बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई नहीं की है तो मुझे दो साल कॉरपोरेट वर्ल्ड से हट के सिर्फ पढ़ना है उस इकोसिस्टम का पार्ट हो कि उसको एब्जॉर्ब करके एज अ मेच्योर एडल्ट निकलना है मेरा वो रीज़न था तो मैंने इसलिए किया था तो अब एक्सपीरियंस कैसा था क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर था तो मैंने फोकस ही बहुत ज्यादा सॉफ्ट स्किल चीज़ों पे किया था तो वहाँ पे ना लीडरशिप को लेके काफी प्रोग्राम्स होते हैं एक मिनट वन स्टेप बैक क्लासरूम स्ट्रक्चर होता है वहाँ रिसर्च पर ज्यादा फोकस होता है बेसिक से समझाइए कि एक एम प्रोग्राम वहाँ कैसे रन होता है वर्सेस द एवरेज आईआईएम एमबीए प्रोग्राम फर्क होता है या सेम ही सिस्टम है देखिए क्लासेस मोर और लेस आई वुड से सिमिलर हो सकती हैं जैसे हम आई एम्स का भी स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है हम मास्टर्स यूनियन में भी वॉटन uh, इंस्पायर्ड हैं क्योंकि मैं और प्रथम दोनों ही वाटन से हैं तो हमारा क्लास का आप भी देखेंगे तो इट इज़ सी शेप्ड ताकि क्लास में डिस्कशन ज़्यादा हो प्रोफेसर से फैसिलिटेट करें वाह और यही आई वी लीगज में भी होता है कि आप के स्टडी मेथड से पढ़ते हो जहाँ पे आप सबके पास चार या पाँच साल का वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको आपस में भी एक दूसरे से सीखने को मिलेगा न कि सिर्फ प्रोफेसर से तो वो लर्निंग आप बिलीव नहीं करोगे मेरे बैचमेट्स इतना डाइवर्स कोहर्ट था कि मेरे बैचमेट्स थे इराक के सोल्जर्स तो आप एक लंच पे इराक के सोल्जर से लीडरशिप ज़्यादा सीखोगे या आप एक लीडरशिप के प्रोफेसर से लीडरशिप ज़्यादा सीखोगे तो वो डिस्कशंस क्लास में बहुत इनरिचिंग होती हैं और वो आइम्स में भी होती होंगी मैं नहीं गई वहाँ पे बट वहाँ भी होती हैं मतलब मुझे पता है मेरे फ्रेंड्स गए हैं तो क्लासरूम वैसा ही होगा लेकिन हमारे इंडिया में कभी कभी वो क्लासरूम उतना डाइवर्स नहीं है क्योंकि आधे से ज़्यादा तो आई आई टी बाकी टॉप कॉलेज के लोग हैं हम कैट के पर्सन पे इतना फ़िल्टर करते हैं कि हमें एकेडमिक एक्सेलेंस बहुत ज़्यादा चाहिए तो कॉन्वर्सेशंस का लेवल उतना डाइवर्स शायद ना हो क्लासरूम लर्निंग मोर लेस सिमिलर लेकिन क्लासरूम के बाहर जो मैंने आपको अभी एक कोर्स बताया था पी थ्री राइट जिसमें आठ हफ्ते में हर हफ्ते हम आठ लोग मिलके के ये डिस्कस करते थे कि हमारे लिए सक्सेस का डेफिनेशन क्या है और उसमें मुझे उसके पहले ना जब मैं वॉटन गई थी उससे पहले मुझे लगता था कि दुनिया सिमिलर है जो मेरी सक्सेस की डेफिनेशन है वो शायद आपकी भी है किसी और की भी है क्योंकि हम सब एक जैसे थे इंडिया में मेरे आसपास का जो लोग थे वो मेरे जैसे थे वहाँ मुझे समझ आया कि नहीं सक्सेस का डेफिनेशन ड़, ड़, हर एक के लिए अलग है किसी का सक्सेस का डेफिनेशन है अपने पेरेंट्स की वैलिडेशन को ट्रू करना वो लाइफ में जो भी अचीव कर रहे हैं वो अपने पेरेंट्स को दिखाने के लिए कर रहे हैं और वही उनका सक्सेस है किसी के लिए पैसा है मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे लिए ये सब है लेकिन पर्पज़ कम्स फर्स्ट और फिर मैंने रिफ़्लेक्ट किया कि मैंने लाइफ में जो भी चीज़ें की हैं आप मानेंगी नहीं मैं ज़्यादा टी भी नहीं देखती हूँ रीज़न क्या है क्योंकि मुझे कोई पर्पस नहीं दिखता अनलेस hmm. वो एक लर्निंग पॉडकास्ट है या कुछ है बट मैं एंटरटेनमेंट के लिए नहीं देखती हूँ सो आई रियलाइज एंड दैट्स नॉट ट्रू फॉर एवरीबडी मेरे हस्बैंड बहुत टीवी देखते हैं और उनको बस रिलैक्स करना होता है तो डिफरेंट पीपल आर डिफरेंट एंड जब मैं वॉटन से ग्रेजुएट हुई तो मुझे रियलाइज हुआ कि अब मुझे लाइफ में क्लैरिटी है कि मुझे क्या चाहिए स्वाति गणनीति की लाइफ कैसे सक्सेसफुल हो सकती है ना कि किसी भी की Uh, you know, किसी की भी लाइफ कैसे सक्सेसफुल हाँ uh, कितना लंबा था कोर्स दो साल का कोर्स होता है एमबीए का यूजुअली अब एक साल के भी शुरू हो गए हैं कोर्सेस राइट बट अगर आप एक प्रॉपर लर्निंग करना चाहो तो आई थिंक वो दो साल का इमर्शन uh, क्लास के बाहर जिसको आउट क्लास कहते हैं हम मास्टर्स यूनियन में भी करते हैं क्लास के बाहर ज़्यादा लर्निंग होती थी हमारा एक कोर्स था जिसको हम लीडरशिप वेंचर्स कहते थे उसमें आप दस दिन बीस लोगों के साथ माउंटेन क्लाइंब कर रहे हो <laughs> अब आप अब आप सोचोगे कि स्वाति ये क्या चीज़ है ये कौन सा कोर्स हुआ बट उस कोर्स में जो आप लीडरशिप सीख रहे हो जो आप टीम वर्क सीख रहे हो आपका कोई टीम मेंबर बीमार है आप वापस जाओगे या आप कंटिन्यू करोगे और उसको इग्नोर करोगे या आप आधे लोग वापस जाओगे एज अ टीम लीडर आप क्या डिसीजन लेते हैं उस वक्त वो आपको बहुत ज़्यादा सिखाएगा कम्पेयर टू आप क्लास में बैठ के एक लीडरशिप की बुक पढ़ रहे हैं तो मास्टर्स यूनियन में भी हमने यही किया है हाफ ऑफ आवर इज आउटसाइड द क्लास क्योंकि आप जो एक्सपीरियंस से सीखते हो क्लास में नहीं सीख सकते जब आप वॉटन से ग्रेजुएट हुए और आपके दोस्त आए से ग्रेजुएट हुए आप में और उनमें फर्क था आपके एडुकेशन और उनके एडुकेशन में हार्ड स्किल्स नो मेचोरिटी यस Uh, तो ये जो कॉलेजेस हैं uh, एक तो देखिए आईएम का जो बच्चा ग्रेजुएट हो रहा है उसके पास या तो जीरो इयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस है क्योंकि बहुत से मेरे फ्रेंड्स आईआईटी के स्ट्रेट बाद आईएम चले गए तो वो कई बार ऐसा फील होता है एक्सटेंडेड कॉलेज क्योंकि आपकी मेचोरिटी लेवल इंक्रीज़ नहीं हुई है और जो लोग एक्सपीरियंस के बाद भी गए हैं वो अपने करियर में ट्रमेंडस अपलिफ्ट uh, चाहते हैं इसीलिए वो आई गए हैं राइट तो आपकी रिक्रूटमेंट तीन आप आएम जाते हो और छः महीने बाद कंपनीज आना शुरू हो जाती है इंटर्नशिप के लिए तो आपका फोकस ज़्यादा लर्निंग पे नहीं होता उन अपॉर्चुनिटीज़ पे होता है और उन प्लेसमेंट्स को करने में होता है विच इज़ नॉट रॉन्ग वॉटिन में भी ये होता था जो लोग रिक्रूट कर रहे थे उनकी तो शुरू हो गई थी कि रिज्यूमे बनाइए प्लेसमेंट कराइए इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं और किस लिए आए हैं आप एम बी के लिए तो करते हैं hmm. तो इसलिए लॉट ऑफ टाइम्स एम में आप वो मैच्योरिटी जो आपको एक मिल जानी चाहिए वो शायद नहीं मिल पाती अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है या आप रिक्रूटमेंट पर इतना फोकस हैं कि आप ये सारे एक्सपीरियंसिस जो आपके आसपास हो रहे हैं उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे क्लिप्स अपलोड किए हैं इस चैनल पर चैनल को एक्सप्लोर करो देखते जाओ और सीखते जाओ